ऑपरेशन रिसर्च देखिए वर्ल्ड वॉर टू आप सभी ने जानते होंगे कि 1939 से 1945 के बीच में जो है वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो वर्ल्ड वॉर टू में जो है रिसोर्सेज क्या है इनसफिशिएंट थे बहुत सारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो उनका जो है एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली एलोकेशन के लिए जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उन्होंने जो क्या किया कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को एक साथ लेके आए और उनको जो है टास्क दिया कि जो इनसफिसट रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट करें जैसे कि फूड हो गए मेडिसिन हो गए वेपन्स हो गए ट्रूप्स हो उनको जो है इफेक्टिवली जो है डिफरेंट डिफरेंट जो मिलिट्री ऑपरेशन है उनमें जो है एलोकेट करें तो ये चीज को एलोकेट करने के लिए चीज ऑपरेशन रिसर्च हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि जो इनसफिस रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करना जिससे कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा सके तो दैट इज ऑपरेशन रिसर्च और यहीं से फिर जो ओ का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप

साइंस का यूज करते हैं उसी को हम ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं अब करें कि पांच सेल्समैन और पांच टेरिटरी है तो आपको एलोकेट करना है कि किस सेल्समैन को किस टेरिटरी में भेजा जाए तो वहां पे जो है आप असाइनमेंट मेथड का यूज करके जो है ऑपरेशन रिसर्च का जो टेक्निक यूज करके जो है आप एलोकेट कर सकते हैं जहां पर कम रिसोर्सेज में कम कॉस्ट में जो सेल्समैन है वो पर्टिकुलर टेरिटरी में जाकर अच्छा सेल्स अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकता है तो इसी तरीके से कौन सी मशीन पर कौन सा जॉब पहले परफॉर्म करना है रॉ मटेरियल है तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है सिक्वेंसिंग कैसे करनी है उन सब में जो है आपको ऑपरेशन रिसर्च जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपका जो सबसे क्रिटिकल पाथ क्या होना चाहिए जैसे कि कम कॉस्ट में जो है आप ट्रांसपोर्ट कर सकें अपने रॉ मटेरियल को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट तक तो उसमें जो है ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है तो इस तरीके से जो मेन मशीन मटेरियल या फिर मनी है

सिस्टम दैट यूजली रिक्वायर द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज हैं जो, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेन मशीन सिस्टम होते हैं उनमें जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं उसको किस तरीके से साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाए और उसको ऑपरेट किया जाए जिससे कि बेस्ट और ऑप्टिमाइज रिजल्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन uh, को मिले तो दैट इज ऑपरेशन रिसर्च ओ आर सोसाइटी अमेरिका ने कहा ठीक है ओ आर क्या है इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम विच अदरवाइज वर्स आंसर यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम थी

आ, किसी लोकेशन पे पहुंचना है तो उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए आप जो है अपनी गाड़ी का यूज कर सकते हैं टू व्हीलर का यूज सकते हैं या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका यूज कर सकते हैं तो अब ये आपको जो है यहां पर डिसाइड करना है कि कम टाइम में कम रिसोर्सेज में कम पैसे में जो है आप कैसे उस लोकेशन तक पहुँच सकते हो तो उसके लिए जब साइंस का यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च क्लियर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कौन सा प्रोडक्ट में आपको सिलेक्ट करना चाहिए जैसे ज्यादा से ज्यादा जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो या फिर कौन सा प्रमोशन टेक्निक यूज करना चाहिए जैसे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जो है आप कवर कर सको क्लियर रिप्लेसमेंट पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए कौन से वेंडर को सिलेक्ट किया जाए कौन सा वेंडर है जो आपको जल्द से जल्द प्रोडक्ट को जो रॉ मेटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकेगा तो इन सभी चीजों से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें जो है ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है ओ तो आर में यानी ऑपरेशन रिसर्च में डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग हेल्प करते हैं जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम असाइनमेंट मॉडल गेम थ्योरी सिक्वेंसिंग एंड क्विंग थ्योरी रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सी बी पर्ट तो ये सारी चीज़ें ही जो है अलग अलग यूनिट्स में आप जो है आगे चल के पढ़ेंगे तो ये सारे क्या है ये टेक्निक्स हैं कि कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को इन सभी मेथड से जो है आप सॉल्व कर सकते हो एक बेटर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं तो जॉर्ज बी डेंसटिंग ये की पर्सन थे वर्ल्ड वॉर के बाद ओ आर की डेवलपमेंट में जॉर्ज बी डेंसटिंग का नाम जो आता है इन्होंने क्या किया था इन्होंने सिम्प्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए डेवलप डेवलप किया किया था था 1947 1947 में में क्या क्या मेथड जो जो है ये जो है ये जॉर्ज बी डेंसिंग ने और पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस टी आई एम एस वॉज फाउंडेड एज इंटरनेशनल सोसाइटी टू आइडेंटिफाई एक्सटेंड एंड यूनिफाई साइंटिफिक

1949 में एग्जिस्टेंस में आया जब एक ओ यूनिट जो है प्लानिंग एंड ऑर्गनाइज रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए हैदराबाद में का हुआ था रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में तब जो है ओ का जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस हुआ और उसके बाद फिर ओ सोसाइटी ऑफ इंडिया ओ आर एस जो है नाइनटीन में फाउंड हुआ और जो है वो बाद में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटीज आई का जो है वो मेंबर भी बना तो ये कुछ हिस्ट्री थी कुछ की पॉइंट्स थे हिस्ट्री में कि कैसे जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो ओ में क्या हुआ कि ओ साइंस का यूज किया जाता है जिससे कि आप जो है डिसीजन मेकिंग्स ले सके इंप्रूव डिसीजन मेकिंग कर सकें किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स वहां पर होते हैं की पर्सन जो है वो जॉर्ज बी डेंजडिंग है जो कि सिंप्लेक्स मेथड जिन्होंने डेवलप किया था उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई बात कर लें एप्लीकेशन या फिर यूज या फिर आप इसको स्कोप में भी लिख सकते हैं कि पे जो है ओ का यूज होता है क्या अप्लीकेशन है क्या क्या स्कोप है किन किन एरिया में किन किन सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है तो देखिए स्कोप की बात करें तो ओ जो है ना हर फील्ड में चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आ, या बिजनेस हो चाहे वो डिफेंस हो हर जगह पर ओ का यूज होता है जैसे कि एग्रीकल्चर में बात कर लें तो देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वाटर जो है हर जगह पर पहुंचाना होता है तो ऑप्टीमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वाटर कम खर्चे में पहुंच सके ऑप्टीमल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड टू क्रॉप यानी कि कितना लैंड जो है किस क्रॉप के लिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो जो है जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो वहां पर ओ आर का यूज होता है गवर्नमेंट जो है वो अर्बन और हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुलिस कंट्रोल के लिए इन सब चीजों के लिए जो है वो ओ आर का टेक्निका यूज करती है इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है मैनेज करना है सोशल प्लानिंग और एनर्जी से रिलेटेड हर जगह पर ओ आर का यूज होता है इसी तरीके से इंडस्ट्री और बिजनेस बात कर लें तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया कि डिविडेंड से रिलेटेड जो है डिसीजन लेना है ब्रेक इवन एना है कैपिटल बस्टिंग कॉस्ट लोकेशन करना है तो यहां पे जो है ओ आर का यूज किया जाता है मार्केटिंग में कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स यूज करें कौन सा प्रमोशन टेक्निक यूज करें तो इन सब में जो है आप ओ का यूज कर सकते हैं परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट में कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कैसे करनी है रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए बिडिंग पॉलिसी वेंडर एनालिसिस कैसे करना है फैसिलिटीज प्लानिंग में बात कर लें कि लोकेशन क्या होनी चाहिए वेयर हाउस का साइज कितना होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिटेल आउटलेट्स कहाँ होने चाहिए मैनुफैक्चरिंग में बात कर लें तो यहाँ पे क्रू साइज को कैसे मैनेज करना है शेड्यूलिंग राउटिंग डिस्पैचिंग

जो है वहां पे ओआर का यूज किया जाता है कि कौन सा रास्ता चूज किया जाए अब कहीं किसी लोकेशन पर जो है अटैक करना है तो वहां पर कैसे जाया जा सकता है जो है लैंड्स uh, के जरिए जाए वाटर के जरिए जाए या फिर एयरफोर्स uh, के जरिए जाए तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करने में ओ आर जो है वो हेल्प करता है तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है आप ओ आर का यूज कर सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग